हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल और मैं मनीष भारती आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेंस का जो जीएस का पेपर टू होता है उसका सिलेबस क्या है। तो पेपर टू में जो टॉपिक होता है वो है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अभी तक आपने हमारे इस भारतीय आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक यूपीएससी, पीसीएस और इग्नू और ऑप्शनल सब्जेक्ट वगैरह से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन सही सही आप तक पहुंच जाए। पिछले वीडियो में आप जा करके प्ले लिस्ट में देखेंगे यूपीएससी का जो सिलेबस करके है उसमें आप जा करके सर्च कीजिए तो आपको जीएस के वन पेपर का, फर्स्ट पेपर का सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पेपर टू लेके चलते हैं हम, जिसको हम अब एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे मैं बारीकी से करूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलता चलूँगा, आप गौर से इसे समझने की कोशिश करें क्योंकि मुख्य रूप से होता क्या है कि आपका सिलेबस समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिलेबस सही से समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है यूपीएससी का प्रिपरेशन। अगर सिलेबस नहीं समझते हैं तो यही सबसे बड़ा दिक्कत है। मैं कीवर्ड पे भी ध्यान दिलाता चलूँगा, आप इसे आराम से समझते चलिए। देखते हैं कि कितने टॉपिक हैं। सबसे पहले यूपीएससी जो टॉपिक दी है वो तकरीबन 20 टॉपिक है। पेपर टू में 20 टॉपिक है, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, जहां पेपर वन में 12 ही टॉपिक यूपीएससी ने दिया है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, मोटा मोटी मैं सब्जेक्ट बता दूं। इसमें आपका जो एक तो पॉलिटी हो जाएगा, पॉपुलर वे में बता रहा हूं, एक पॉलिटी, दूसरा गवर्नेंस हो जाएगा, तीसरा जो है सोशल जस्टिस होगा, इसमें जस्टिस, सोशल जस्टिस, और चौथा टॉपिक होगा आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। ये मेन चार टॉपिक हैं और फिर इसी के सब टॉपिक हैं। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। इसमें कौन कौन सब्जेक्ट हैं फिर से बता दूं, शासन व्यवस्था यानी कि गवर्नेंस, संविधान, पॉलिटी, शासन प्रणाली यानी कि जो सिस्टम होता है, उसके बाद सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आइए पहला टॉपिक हम देखते हैं। पहला टॉपिक इसमें स्पष्ट रूप से यूपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है, आप देखेंगे, वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्टोरिकल अंडर इनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि भारतीय संविधान का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या रहा है, ऐतिहासिक आधार क्या रहा है। जैसे कि कानून 1935 के आधार पर भारतीय अधिनियम आप देखते हैं तो ये एक बड़ा पोर्शन होता है भारतीय संविधान को, यहाँ से लिया गया है। उसके बाद 1919 से लिया गया, बहुत सारे और प्रावधान हैं, आप जब डिटेल से पढ़ेंगे, इस वीडियो में मैं उतना चर्चा तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इस तरह के और भी कई आधार हैं, दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को भी लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसे आप ध्यान से एक बार देख लेंगे। उसके बाद जो है कि विशेषताएँ क्या क्या, संविधान का विकास कैसे हुआ, संविधान की विशेषताएँ क्या क्या है, संशोधन कितनी बार हो चुका है, उसके बाद इसके प्रावधान क्या है, बुनियादी संरचना क्या है, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे बुनियादी संरचना बताए हैं, तो आप इन चीज़ों को देख लीजिएगा। दूसरा है संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स, इशूज एंड चैलेंजेज पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर, जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है तो उसके कार्य क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको देखना है। संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौती, यानी कि संघीय ढांचे जो है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का एक संघीय ढांचा है, उससे संबंधित क्या इशूज़ हैं, विषय क्या क्या हैं और चैलेंजेस क्या हैं इस स्ट्रक्चर में, इसको पढ़ना है। स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्तों का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियाँ, स्थानीय स्तर जैसे नगर पालिका, नगर निगम, पंचायत वगैरह, तो शक्तियों का हस्तांतरण और उसका वित्त का हस्तांतरण, जैसे आप फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ते हैं, अभी 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है, तो उस सब पे पढ़ना है और उसमें चैलेंजेस क्या है इन सबको देखना है। उसके बाद थर्ड नंबर टॉपिक है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विभिन्न घटक का मतलब क्या हो गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीन घटक होते हैं, इनके बीच सेपरेशन ऑफ पावर जो होता है उसका। उसके बाद विवाद नियंत्रण की बातें की गई है जो, और उसके बाद संस्थान कौन कौन से इसके लिए उत्तरदायित्व है, काम करते हैं, इस पे चर्चा करना है। उसके बाद है टॉपिक नंबर 4 कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम,
जितने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के स्कीम हैं उसके अन्य कंट्री से तुलना करके देखना है, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना करके आपको एक स्टडी करनी है। उसके बाद है पांचवा नंबर है संसद और राज्य विधायिका, उसका किस तरह से क्या क्या लेना है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव का क्या सब लेना है, कीवर्ड देखिए स्ट्रक्चर जानना है कि स्ट्रक्चर क्या है, पार्लियामेंट की क्या स्ट्रक्चर है। पार्लियामेंट में आप जानते हैं राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और प्रेसिडेंट भी उसके पार्ट होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर और क्या क्या है देखना है, फंक्शन क्या है क्या है पार्लियामेंट का इसको देखना है आपको। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसके किस तरह के कार्य संचालन कैसे होता है, पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इशूज राइजिंग आउट ऑफ दीज, और इसके लिए किस तरह की शक्तियाँ उसको दी गई है, विशेष अधिकार दिया गया है, और इन सब चीज़ों से बहुत सारे जो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, बहुत सारे विषय उत्पन्न होते हैं, उन पर भी डिस्कशन करना है। टॉपिक नंबर 6 देखते हैं क्या है, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, तो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। तो भारतीय कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या क्या स्ट्रक्चर है उसे आपको देखना है। संगठन और कार्य, किसके संगठन और कार्य यहाँ दिया है सब टॉपिक में, भारत के मंत्रालय एवं विभाग के संगठन और कार्य देखना है। प्रभावक समूह यानी कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इन प्रेशर ग्रुप्स के बारे में जानना है, जैसे एनजीओ होता है, सिविल सोसाइटी होता है, मीडिया है, ये सब प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। औपचारिक अनौपचारिक संघ यानी कि जो फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस वगैरह होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे CII वगैरह हो गया, ये जो विभिन्न औद्योगिक संगठन वगैरह होता है इनकी बातें की गई है। और शासन प्रणाली में इसकी भूमिका आती है, ये सब किस तरह से शासन व्यवस्था को चलाने में अपना रोल क्रिएट करते हैं इस पे देखना है। टॉपिक नंबर 7 है साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। आप जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 2 होता है, 1950 और 1951, तब 1951 को पढ़ना है डिटेल में थोड़ा सा इसको। तो टॉपिक नंबर 7 में ये है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उसको जानना है। टॉपिक नंबर 8 है अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं, जैसे आपने अभी देखा कि OBC जो है, OBC के आप कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है, जो उनके अधिकार वगैरह हैं, पावर्स फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन चीज़ों पे आपको देखना है। 9th नंबर है सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, स्टेचुअरी रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियरी बॉडीज, कई तरह के बॉडीज होते हैं संविधान में वर्णन किए गए हैं इन चीज़ों को, जो संविधान से है, जो नियम कानून से है, अर्धन्यायिक निकाय है, तो उन चीज़ों पे भी आपको डिस्कशन करना है, कितने बॉडीज हैं, कुछ संस्थान हैं उसको पढ़ना है, उसका क्या स्ट्रक्चर है उसको भी जानना है, उसके पावर क्या है, उसके वर्क क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, इन सबों का आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। आइए टॉपिक नंबर 10 को देखते हैं। टॉपिक नंबर 10th में है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है, इस पर फोकस करना है इसमें। उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है इकोनॉमी के लिए बना सकती है, एग्रीकल्चर के लिए बना सकती है, हेल्थ के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ फॉर डिफरेंट फील्ड हो सकता है, तो उसके विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए हस्तक्षेप और उसके अभिकल्पन तथा क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशू अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट, तो इससे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, डिजाइन करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उन सब चीज़ों पे आपको पढ़ना पड़ेगा, किसकी, भारतीय नीतियाँ स्कीम्स को लेकर के। ओके, नेक्स्ट क्या है, टॉपिक नंबर 11 देखते हैं, तो विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, द रोल ऑफ NGO, अगेन प्रेशर ग्रुप की बात की गई है, स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप, और उसके बाद वेरियस ग्रुप्स एंड एसोसिएशंस, डोनर्स और चैरिटीज़ वगैरह की बात की गई है, इंस्टीट्यूशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। तो ये जो विकास एक दबाव प्रेशर ग्रुप होता है, मेन रूप से इसमें प्रेशर ग्रुप की बात की गई है, इसको पढ़ना है आपको ढंग से। उसके बाद टॉपिक नंबर 12 आप देखिए, टॉपिक नंबर 12 आ गया, यहाँ तक फ्रेंड्स आप देखेंगे इसमें मैंने बताया था पॉलिटी है, गवर्नेंस है, इंडियन सोशल जस्टिस है और IR है, तो पॉलिटी की बातें बहुत सारी हो गई, आप यहाँ तक जानेंगे, पॉलिटी हो गया, अर्धन्यायिक न्याय, यहाँ से जो है टॉपिक नंबर 12 आप देख सकते हैं, केंद्र एवं राज्य द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का क्रिया कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों
की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र विधि संस्थान एवं निकाय। इनको गौर से एक एक वर्ड को देखना पड़ेगा आपको, विधि संस्थान निकाय क्या क्या स्कीम है उनके लिए, और जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग कौन कौन से हैं ध्यान रखना है, कौन कौन से हो सकते हैं, वुमेन, चाइल्ड, ओल्ड एज जो है वो, फिजिकल जो लोग चैलेंज हैं फिजिकली चैलेंज्ड वो हो सकते हैं, तो और जो थर्ड जेंडर है एलजीबीटी वगैरह क्यू, ये ग्रुप के लोग हो सकते हैं, तो इनके लिए क्या वर्क वगैरह है इसमें आपको ध्यान से देखना होगा। उसके बाद है, अच्छा मैं बता दूं यहाँ अब पॉलिटी नहीं, अब सोशल जस्टिस शुरू हो चुका है, सोशल जस्टिस का टॉपिक शुरू हो गया। अगर आप देखें टॉपिक नंबर 9 तक तो मुख्य रूप से मुझे पॉलिटी यहाँ दिख रहा है, और यहाँ सरकारी नीतियाँ से टॉपिक नंबर 10 से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं, केंद्र राज्यों की जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा गरीबी, यहाँ 14 तक यानी कि 10 to 14 तक ये जो है सोशल जस्टिस का टॉपिक है, सोशल जस्टिस वो पॉलिटी था ऊपर। ओके तो यहाँ देखिए आप कुछ टॉपिक ओवरलैपिंग होते हैं, आपको क्लियरिफाई करने में बहुत दिक्कत होगा, वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है मेंस के सारे टॉपिक जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी एक डिफाइंड करना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी हो जाता है। ओके तो टॉपिक टॉपिक नंबर हम देखते हैं, मैंने आपको 12 तक बता दिया था, 13 देखते हैं। 13 है इशूज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ, क्या चीज़ है इशूज़ रिलेटेड, वर्ड पे ध्यान दीजिए क्या क्या, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट किसका, ऑफ सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटेड टू क्या चीज़, हेल्थ एडुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज, ये तीन चीज़ें हैं ध्यान रखिए, हेल्थ क्या क्या है, हेल्थ उसके बाद आपका आता है एडुकेशन और फिर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो इन तीन चार टॉपिक पे आपको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए टॉपिक नंबर 13। 14 देखिए गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय, इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर, इसको ध्यान से देखिए कि क्या है गरीबी और भुखमरी से किस तरह के इश्यूज राइज हो रहे हैं आज कंट्री में, उन चीज़ों को देखना है, ध्यान रखना है ये इंडिया के रिगार्डिंग ही पढ़ना है, ये सोशल जस्टिस जो है भारत के लिए है। उसके बाद ये सोशल जस्टिस यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, यहाँ से टॉपिक नंबर 15 और 16 जो है ये गवर्नेंस का टॉपिक है, यहाँ सोशल जस्टिस ख़त्म हो गया, ऊपर पॉलिटी था, यहाँ गवर्नेंस के हैं, गवर्नेंस में क्या क्या है, शासन व्यवस्था ध्यान से एक एक वर्ड को देखिए, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, शासन व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, क्या क्या वो पक्ष हो सकते हैं, वो पक्ष हो सकते हैं ऑफकोर्स ई गवर्नेंस हो सकते हैं, ई गवर्नेंस में क्या क्या, ई गवर्नेंस के जो एप्लीकेशंस हैं मॉडल्स हैं, सक्सेस कैसे रहा है, ई गवर्नेंस का लिमिटेशन क्या है और इसका पोटेंशियल क्या है, इसकी कितनी संभावनाएं हैं क्षमताएं है, क्या हैं ये। उसके बाद है सिटीजन चार्टर्स, इसको बहुत ध्यान से देखना है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, तो इन चीज़ों को आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। उसके बाद लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, तो रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, सरदार पटेल ने कहा था कि स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज को, तो वो कैसे है क्या है आपको इस टॉपिक में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा टॉपिक नंबर 16 में। तो 15, 16 गवर्नेंस का टॉपिक हो गया, 14 तो ऊपर 9, 10 से लेकर के और 14 तक आप देख रहे थे सोशल जस्टिस, और 9 से 1 तक जो था पॉलिटी था। आइए आप देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक पोर्सन इस टॉपिक का, वह है आयर, आयर में क्या क्या है, तो टॉपिक नंबर 17 से लेकर के 20 तक आयर का सिलेबस है, आयर में है क्या क्या, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस यानी कि भारत और पाकिस्तान का संबंध, भारत और मालदीव का संबंध, भारत और भूटान का संबंध, भारत और नेपाल का, भारत और बर्मा, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, तो इन चीज़ों को बहुत बारीकी से, या अफगानिस्तान के साथ, इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो। देन नेक्स्ट द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक क्या है,
बायलेटरल, बायलेटरल मैंने आपको बताया, चाहे इंडिया देख लीजिए, चाइना के साथ, मालदीव के साथ, अफगानिस्तान, इसके रिलेशन क्या हैं और उस रिलेशन से संबंधित भारत के हितों को किस तरह से प्रभावित करना, इसको देखना पड़ेगा। रीजनल क्या है, रीजनल देखिएगा, आप देखिए दक्षिण एशिया में भारत पड़ता है तो सार्क देख सकते हैं, बिमस्टेक आप देखिए, संघाई कॉपरेशन देखिए, ये सब क्या हो गया, रीजनल हो गया है ना। आरसेप अभी हो रहा था वो रीजनल था। उसके बाद है ग्लोबल ग्रुपिंग, ग्लोबल ग्रुपिंग में आप देख सकते हैं जैसे भारत जो है, जैसे कि G7 आपने सुना होगा, G8, G20, ये सब ग्लोबल लेवल पे हो गया, या जैसे UN में कोई कन्वेंशन वगैरह होता है, पेरिस कन्वेंशन, क्लाइमेट कन्वेंशन है, ये सब क्या हो गया, ग्लोबल लेवल की चीज़ें हो गई, तो वो सब भी पढ़ना है। इसका इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। भारत का इंटरेस्ट क्या है, इसको देखना पड़ेगा बारीकी से। भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीय, यानी कि भारत के हितों पे, इंडिया के इंटरेस्ट पे क्या क्या, विकसित और विकासशील। विकसित में कौन से, तो देखिए अमेरिका आ गया, कनाडा वगैरह जो उधर हैं, और यूरोप आ जाता है पूरा, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, तो ये सब विकसित। और विकासशील में जैसे लैटिन अमेरिका आ गया, उसके बाद जो अफ्रीका आ गया, मिडिल ईस्ट आ गया, सेंट्रल एशिया आ गया, ईस्ट एशिया आ गया, साउथ एशिया आ गया, आसियान कंट्रीज हैं, ये सब विकासशील देश हैं। तो इसकी नीतियों, ये अपने लिए कुछ नीतियाँ बनाते हैं, पॉलिसीज, तो इस पॉलिसी को बनाते हैं तो भारत की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ जाता है, इसको जानना है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रवासी भारतीय, इंडियन डायस्पोरा। आप जानते हैं इंडियन डायस्पोरा बहुत बड़ी डायस्पोरा है, बहुत पावरफुल है, वर्ल्ड के हर कंट्री में इंडियन डायस्पोरा है, तो ये एक इसलिए बड़ा टॉपिक है, आपको देखना पड़ेगा इसे बारीकी से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उनको जानने के लिए। अभी सोलर संस्थान जो भारत में गुड़गांव में उसका हेडक्वार्टर है, इसी तरह बहुत सारे संस्थान हैं उसको जानना। संस्थाएं और मंच, बहुत सारे संस्था है, उसके स्टेजेज हैं, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके मैंडेट क्या है, अधिदेश क्या है, इन सबों को बारीकी से पढ़ करके इस पेपर को आपको तैयार करना पड़ेगा। मैं किसी दूसरे वीडियो में एक टॉपिक को और एक्सप्लेन करके बता दूंगा, क्योंकि टॉपिक एक्सप्लेन होना बहुत ज़रूरी है मेंस की प्रिपरेशन के लिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बता दूंगा। इसमें तो बहुत ज़्यादा इतना संभव नहीं था, फिर से एक बार बता दूँ, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, पॉलिटी थे, गवर्नेंस थे और सोशल जस्टिस और IR, ये चार सब्जेक्ट थे। ओके, ये चारों पे डिस्कशन है, कुल 20 टॉपिक है पेपर 2 में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है UPSC के मेंस के रिगार्डिंग इस टॉपिक, इस पेपर को। तो प्लीज़ इस वीडियो को आराम से देखें, समझें और बहुत बारीकी से इस पे वर्क करने की कोशिश करें। फ्रेंड्स फिर से कह दूं, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, UPSC के एग्जाम से रिलेटेड आप लाइक कर सकते हैं, अप्रिसिएशन के लिए अपने अनमोल वचन कमेंट सेक्शन में जाके आप डाल सकते हैं, हम उसको पढ़ के बहुत खुश हो जाएंगे। और आप सजेशन क्या चाहिए आपको, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं, इन सब बातों को आप जा करके जम के लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके हेल्प करने के लिए हमेशा वहाँ से मटेरियल ले सकें। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।